यमुनानगर में नशे के लिए चेन स्नैचिंग करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग पिछले काफी समय से महिलाओं को अपना शिकार बनाकर चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। इस संबंधी डिटेक्टिव स्टाफ ने जगाधरी निवासी एक युवक को देसी कट्टे एवं जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वहीं डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज जोगिंदर सिंह का कहना है कि इन लोगों का पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ की जाएगी। जो जगाधरी के रहने वाला है, जो कट्टे और एक जिंदा रोड के साथ गिरफ्तार किया है, इसको आज कोर्ट में पेश किया। ये जगाधरी के रहने वाला है और मटका चौक के आसपास से इसको गिरफ्तार किया। जितेंद्र शर्मा और अमित कुमार नाम के दो लड़के हैं, जो एक मोटरसाइकिल पर दोनों वारदात करते हैं स्नैचिंग की। और जैसे कोई अकेली औरत राह चलते कोई व्यक्ति या पागल या पैदल हो, उसे स्नैचिंग कर देते हैं, उसमें इनको गिरफ्तार किया। इन्होंने 6 वारदात कबूल की है जिनमें इनको गिरफ्तार किया। नहीं, ये जो दोनों लड़के हैं, ये नशा करते थे ज़्यादातर, उसकी वजह से ये वारदात।